Hello everyone, welcome back to my channel, and this is the third part of the trip to Srinagar series. And ये vlog मेरे लिए खास है क्योंकि मेरे parents snow पहली बार देख रहे हैं. And you'll get mesmerized by the scenic beauty of that place. बहुत ही सुंदर था. पूरा vlog जरूर देखना. And this is again me in front of my parents trying to record the intro. थीम दिती है ना नमी बनाया मुझे मुझे हम सारे लग रहे हैं थीम दिती है नमी है ना ओह नाइस गुलमार्ग लेफ्ट तो खा रहे आगे आगे जाके सर वे टू गुलमार्ग 70 किलोमीटर है गुलमार्ग बस. इसके बाद उन्होंने कोई अपनी पुरानी स्टोरी हमें सुनाई. व्यू नहीं आला व्यू रेकान व्यू बनता है जगह ਉਥੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਐ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧਾ ਕੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਇਨੋਵਾ ਖੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਖੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਡੀਲਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀਏ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਨਵਾਂ ਵਾਲੀ ਲੋਬਾ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਰਹੀ ਉਹ ਗਈ ਖਾਈ ਚ ਖਾਲੀ ਸੀ ਬੱਚਤ ਰਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ. ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਸਮਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਬਿਊਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਪਲੇਸ. ਉਹ ਪਹਾੜ ਇਤਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਥੇ. ਮਹਿਲ ਵੀ ਦ ਵਿਊ एंड लिटरली ये घर के लोग जन्नत में रह रहे होंगे पीछे इतना अच्छा व्यू. और ये हम हो गए एंटर गुलमार्ग में जहाँ से जो खूबसूरत वादियाँ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी. आई दिख रही है दूर अपन के रहे थोड़ी जी उत्ते थोड़ी जी जगह थोड़ी जी खाली है उत्ते सामने जितने शां रहंदी है उत्ते बर्फ रहंदी है. हुण ये शां वाला एरिया है हिमाचल के तो वो भी बता रहे थे कि उनके एरिया भी यही लुक देते हैं थोड़े से. एंड यहाँ पे थोड़ा सा एक अमाउंट पे करनी होती है वो थी और बाकी स्नो की डिस्कशंस चल रही थी. क्या मजे है क्या ही खूबसूरत माहौल था. फोटो खींचने वाली जगहें दिख रही थी लिटरली. मेरा तो दिल कर रहा था कि रिकॉर्डिंग सारा टाइम ऑन ही रखो और जितने भी व्यूज है मैं उनको कैप्चर कर लूं. यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी एंड उसके बाद रास्ते भी थोड़े फ्री थे तो हमने कहीं रोका भी नहीं फोटो खींचने के लिए. बट वो पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि रुका नहीं जा रहा था. एंड ये हो गए हम गुलमार्ग में एंटर. दिस इज द पॉइंट जहाँ से एंट्री लेनी थी एंड कोई चार्जेस नहीं थे वैसे. और हम ये खूबसूरत वादियाँ दिखने लग गई स्नो कार्व्ड. बस इतनी गाड़ियां देख के मन थोड़ा सा अजीब हो रहा था बट इट वाज ओके. अजी कोई राइड ही नहीं लेनी है पता स्नो देख के भाग जाना वापस. ये बात हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहां पे जो राइड देने वाले थे वो पीछे ही पड़ गए थे लिटरली. ये नॉर्मली खाते हैं घरों में डिजाइन भी सोने वाले पाए हुए और फिर ये हमने यहाँ से शूज लिए. इस तरह की बर्फ देखी हुई है पूरी है कुफरी से बढ़िया सी गई उदों भी पार्किंग में गाड़ी लगा के हम फिर एंटर हो गए स्नो में. और मेरे हस्बैंड मेरे साथ मजाक कर रहे थे एंड ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियां इतनी सुंदर लग रही थी जो दूर वाले पहाड़ थे वो तो खूबसूरत लगते. और ये मैं रील्स के लिए अपनी फोटोज लेती हुई इंस्टाग्राम के लिए. फाइनली ये थोड़ा सा हम फंक्शन करते हुए क्या चीज है ये कश्मीरी कुलचा सर जयपुर से बनता है सर जैसे होता है कोकोनट होता है वैसा है ना थोड़ा ज्यादा नहीं कोकोनट थोड़ा है सर
क्या है? कोकोनट ही तो नहीं है, जो कश्मीरी अखरोट है ना सर, छोटा छोटा जो पेड़ पे है, तो कोकोनट का फ्लेवर है जी। मैं आपको खाने ना कोकोनट दी गोलियां नहीं आंदी, थोड़ा थोड़ा फ्लेवर ओदे वरदा होता है। हां कुछ बेच रहे थे वहाँ पे जो हमने खाया, और ये मेरे मम्मी बोल रहे थे कि हम इस लाइफ पे नहीं जाएंगे, पर हम गए। इवन उधर ज्यादा डरने वाली चीज है। और ये जो सामने आ रहे हैं ये मेरे मम्मी हैं, शी एंजॉयड अ लॉट, बहुत ही मजा आया उनको। और शादी में ये मेरे डैड आ रहे हैं। मम हैड फन, दिस इज अ फन राइड, मजा आ रहा है। बाबा ये कुल चाहिए कहो। अच्छा गोल्फ कोर्स है, अच्छा आगे जाएगा। हाँ हाँ गोल्फ कोर्स बन जाए ना। गर्मियों में भी आते लोग? नहीं नहीं ये तो इतने वाले भी खेल सकते हैं। हमारी माँ नहीं सीखे होगा कि है तो वर्थ है वैसे। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ी फोटोज भी खिंचवाई हैं। ये तो फिर बहुत जल्दी पिघल जाएगी। ये अभी पड़ी है ना थोड़े दिन पहले। आपके लिए अच्छा हो गया, बर्फ पड़ गई। नहीं ऊपर तो नहीं कोई जाता उस पे? गंडोले में भी जाते। अच्छा कहाँ उतारेंगे? ऊपर जगह तो है नहीं, कहीं पे दिख रही वो रोप जा रही है, रोप दिख रही है वो। हाँ हाँ अच्छा, ये सिर्फ घूमने के लिए है, ऊपर रिजॉर्ट तो नहीं है कोई? अच्छा कौन सी लेक? फिश लेक। अच्छा जो स्लेज पे हमें खींच रहे थे ये उन्होंने हमारी फोर्सफुली फोटो खींची, कहते हैं हम लेते हैं आपकी फोटो। एंड दे वर वेरी नाइस काइंड पर्सन्स, उन्होंने सारी चीज़ें हमको समझाई। एंड ये अगेन मैं फोटो लेती हुई, और ये चर्च था वहाँ पे जो कि 120 साल शायद पुराना बता रहे थे। एंड इट ओनली ओपन ऑन द क्रिसमस ईव, और बाकी टाइम ये बंद रहता है। हाँ पहले तो जमी रहती होगी वैसे नॉर्मल, कि ज्यादा पहनती होगी, इस साल नहीं पई ना। जैसे हमारा मंदिर मस्जिद है ना वैसे ही उनका चर्च। ये होता है खुला होता है, नहीं प्रेयर तो करते होंगे अभी। अच्छा वैसे ही क्लोज कर दिया क्रिसमस डे के दिन को ऐसे देखने के लिए। अच्छा ऐसे चले जा रहे थे ऐसे ही, पीछे से भी ऐसे ही। हॉन्टेड तो नहीं है ना? यहाँ पे आके मेरे को आयर रहमान के गाने की याद आ रही थी, ये हंसी वादियाँ। How was the experience, mom? हाय रुपया, ठीक है। हम खेल मर गए। खेल मर गए। खेल मार्ग? खेल मार्ग यहाँ पे खेला जाता है। खेल जाता है। अच्छा। स्केटिंग खेला जाता है। पॉइंट आई का? हाँ स्केटिंग का पॉइंट है। ये इधर कौन सी सड़क जा रही है? होटल गई है गंडोला के लिए। अच्छा अच्छा, जा सकते हैं वैसे भी, जा सकते हैं इधर तक जिनके नेट स्टे हुए हैं वो ही जाते हैं। अच्छा वैसे अलाउड नहीं है? क्या रेंट है वहाँ पे गंडोले का? उसका गवर्नमेंट रेट है 1850। कितने जनों का? एक जने का? एक जने पूरा ऊपर। और होटल कितने महंगे हैं? होटल तो यहाँ मुख्तलिफ है, 1 का 50,000 भी है, 10,000 भी है, 15,000 भी। अच्छा जो फाइबर है वो सबसे महंगा है।
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਆ ਜਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਗਰਦਨ ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਓ ਖਿੱਚਣੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਆ सारा कुछ पूछने के बाद हम एक साफ स्नो वाले एरिया में आए तो वहाँ पे हमने फोटो खिंचाई एंड वी हैड फन विद माय पेरेंट्स एंड ये मेरा मम्मी ने नाम भी लिखा ये और हम वापस जा रहे हैं तो थोड़ा सा ऊंचाई वाला एरिया आ गया था तो मैंने कहा कि मेरे को उतार दो रुक जाओ कहाँ उतना ऊंचे खींचोगे मैं क्या कितना बेचारा खींचेंगे मेरे को उतारने के बाद उन्होंने पापा वाले स्लेज वाले की हेल्प की ये नहीं कि मेरे को उतार के फ्री चलने लगे एंड दिस इज अ वेरी नाइस जेस्चर आई लाइक इट एक राइड और दे दो भैया मेरे को चढ़ना मुश्किल है बस यार इधर वाली साइड आओगे चल मेरे को पैदल जितना मर्जी चला दो बट पहाड़ी में चढ़ने में मेरे को बहुत मुश्किल लगती है मजा आया मेरे को डर लग रहा था पहले फिर हम पहाड़ी के ऊपर चढ़े और स्लेज से वहाँ से नीचे आना था तो हम सारी सेटिंग कर रहे हैं एंड मेरे को रिकॉर्ड भी करना था तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि मैं कहाँ से पकड़ूँ ये ट्राइपॉड और कैसे उसको कैप्चर नहीं नहीं ऐसे बनेगा फिर मेरे को डर लगेगा Shameless people littering everywhere. So shameful. Tourist place की एक ही चीज मेरे को बहुत बुरी लगती है जहाँ लोग जाते हैं वहाँ पर आप गिर क्यों आते हो सारी चीजें नहीं ये ना एक्चुअली कोई एक बिल्डर है मैं देखा है नवी ही बन रही है सारिया वो एक बिल्डर की जिथे जिथे बन रही है ना सेम है ला रहा और सेम तरह के घर बना रहा सभी और एक ही जैसे लग रहे थे इसलिए हम ये डिस्कशन कर रहे थे एंड इसके बाद हम वापस आ गए जम्मू जहाँ पे ये लकड़ी का काम बहुत अच्छा हो रखा था एंड ये दिल कर रहा था उठा के ले जाएं घर यहाँ कुछ अंकल बेच रहे थे जो यहाँ फोटो पे नहीं देख रहा एंड वो बर्तन डिफरेंट तरह के थे घर बड़े प्यारे प्यारे है ना इतने ये थोड़ा इसके बाद हम लाल चौक एरिया में फिर से वापस आ गए तो हमें लगा हम यहाँ शॉपिंग करेंगे पर हमें भूख लगी थी तो हम पहले ये नथुस स्वीट्स के यहाँ गए जहाँ पे स्नैक्स भी थे जैसे पर ये ओकेश प्लेस थी ना उतनी क्लीन थी ना खाना भी ओकेश था एंड उसके बाद हमने यहाँ पे तफरी मारी एक यहाँ पे मार्केट लगी हुई थी देसी सी वहाँ पे भी गए उसके बाद हमने यहाँ सैर की और ये एक्चुअली 6:30 सब कुछ बंद हो रहा था तो हम जल्दी जल्दी देख के दोबारा से हमें था कि थोड़ी शॉपिंग कर लें बट नहीं की एंड फिर ये मैंने फिर से फोटोज ली दिस वॉज द फूड वी हैड फॉर डिनर दैट नाइट एग करी एंड स्लेज वाले भैया के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लीज चेक एंड दैट्स फॉर दिस ब्लॉग और एक छोटा सा पार्ट और है बाकी इसके बाद वो मैं आप डालूंगी 2-4 दिन में प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू